हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यार कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे पिछले ब्लॉग में कि यूपी की भर्ती कैंसिल हो गई करके, एक बार बता दीजिए करके। तो आज अभी मैं कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो पता चला कि कैंसिल नहीं हुई है। अगर कैंसिल करते तो बता देते, अनाउंसमेंट कर देते। और अभी भी काफ़ी गाड़ी में तो टैक्सी गाड़ी मिल नहीं रही है, बस मिल नहीं रही है। तो लोग क्या है, पिकअप और कुछ कैंटर ऐसी गाड़ी में, ट्रक व्रक में ही आ जा रहे हैं यहाँ। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को लोग कैसे आए हुए हैं, उसी में सो भी रहे हैं वो लोग, नाइट स्टे भी उसी पिकअप में कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए यार, और आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे एक भाई आए हुए हैं यूपी बुलंदशहर से। कैसे हैं आप? कुछ लोग बोल रहे थे कि कमेंट में भर्ती कैंसिल हो गई है। क्या कैंसिल हो गई है क्या भर्ती? पता ना, जानकारी नहीं है, अभी जाके देखते हैं। अच्छा, जाके पता करेंगे। हाँ। अच्छा, और कैसी तैयारी के साथ आए हैं आप? बढ़िया, फुल तैयारी के साथ। फुल तैयारी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो यार देख सकते हैं पिकअप में आए हुए हैं भाई लोग, और ऐसे सो के आए हैं बढ़िया से। अब गाड़ियाँ नहीं मिलनी है तो लोग ऐसे ही पहुँच जा रहे हैं यूपी से। तो छोटे भाई के साथ फिर से देख सकते हैं आप, छोटे भाई फुल एंजॉय। बढ़िया भाई। तो ये है हमारी धन्नो, इसमें चलते हैं और दिखाते हैं कुछ लड़कों से और मिलेंगे। चले चलो भाई, चलो चलो। सही हो रहा है, एक्सरसाइज चल रही है क्या? तो आप लोग कब पहुंचे? हम कल आए। कल आए थे। अच्छा, बहुत हार्ड यार, मजा आ गया। फुल करके जाने हैं, राड़ा मचा के जाने हैं यहाँ। चलो बढ़िया बढ़िया। यूपी में कौन सी जगह के हैं आप लोग? बुलंदशहर के सब लोग? अच्छा, सब लोग इकट्ठा है आप लोग? चलो, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार भर्ती कैंसिल हो गई करके, ऐसा कुछ नहीं? कोई वो नहीं अंदर से। अच्छा, अफवाह बहुत है पर अंदर से कैंसिल का वो टनकपुर में बोर्ड में बता रहे कैंसिल के। अच्छा, तो एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज देख सकते हैं भीड़ आप लोग, यार सब लोग रूम देख रहे हैं, रूम के लिए भीड़ हो रही है यहाँ पे, रास्ते भर भीड़। हेलो, देख सकते हैं आप लोग भाई लोग यहाँ पे खेले वेले खा रहे हैं और गलियों में सो गए हैं। और कुछ बाहर पे भी सो गए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं रास्ते में पूरी, देखो कितने हैं, पूरी यूपी ऐसा लग रहा है, पूरा यूपी के सारे गांव यहाँ आ चुके हैं यार, मतलब कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा। भैया जी क्या खा रहे हैं फिर यार आप? बिस्कुट पार्ले जी, बिस्कुट, इससे भर जाएगा पेट? हाँ। कल दौड़ेंगे कैसे आप यार? हो जाएगा, दौड़ जाएंगे। अच्छा, चाय के साथ? नहीं, पानी। पानी? अरे यार पानी के साथ मत करो यार। तो हमारा छोटा भाई भी आया हुआ है देखने, क्यों? हाँ। यूपी से हाँ है। तो सारे भाई लोग देखो अभी ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो यार देख सकते हैं कुछ भाई लोग हमारे ऐसे पिकअप में आए हैं और ऐसे सोए हुए हैं बढ़िया से रोड के किनारे पे। शेर है, शेर, इनके रहने की व्यवस्था मिल नहीं रही है, इतनी भीड़ हो चुकी है। तो उस चक्कर में सर चैनल का नाम बता दी भैया, कियान सामंत व्लॉग्स। तो कैसे हैं भाई लोगों? बहुत अच्छे। यूपी में कहाँ से आए हैं आप लोग? झांसी? हाथरस। अच्छा, सब एक साथ हैं आप लोग? भारत माता की, भारत माता की।
ऑल द बेस्ट ब्रो कल के लिए। तो ये हमारे भाई लोग, भाई लोगों तुमको ठंडा नहीं लगेगा क्या यहाँ पे? लगेगा सर, क्या करें, मजबूरी है हमारी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कहाँ जा सकते हैं, सब स्कूल भरे पड़े हैं। हाँ ये तो है, कहीं जगह नहीं है सर, अब जगह कहीं बची नहीं है, अब यहीं पे जमे काटना पड़े। तो आप लोग सोएंगे नहीं, ऐसी जगराता करेंगे क्या? नींद नहीं आएगी यहाँ पर। अच्छा, नींद नहीं आएगी, भीड़ में नींद कहाँ आएगी। हाँ, पाँव धरने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। सही बात, आपने तो धर रखे हैं, ऊपर से ओस और पड़ रही है। हाँ। तो देख रहे हो आप, मुझे और भाई को देख सकते हैं, भाई इसके नीचे डालेंगे नीचे सुबह। भाई लोगों आपके नाम क्या क्या है, एक बार नाम बता दीजिए। और आपका? रजत कुमार। और आपका? लव यादव। आपका? पंकज शर्मा। तो भाई लोग देखो, जमीन में बिल्कुल रोड में सोए हैं। और भर्ती इस बार भर्ती होके जाना है भाई लोगों को। गरीब आदमी नहीं यार, एक ही खेत बेचोगे तुम, कहीं अमीर हो जाओगे। हाँ नाम बता दीजिए अपना। जितेंद्र चौधरी। अच्छा, मेरा नाम है सागर शुक्ला। शुक्ला जी, चलो बढ़िया। चलो फिर भाई लोगो, बाय बाय, गुड नाइट, बढ़िया से सो जाओ, नींद तो आने से रही तुमको। कल के लिए ऑल द बेस्ट। यार अभी हम पहुंच चुके हैं मानस स्कूल के पास, क्योंकि सब जगह हो गया अभी फुल। और यहाँ पे भी भाई लोग अभी अंदर एंट्री लेने की कर रहे हैं, लेकिन मानस स्कूल भी हो गया फुल। अभी प्रशासन ने बोला तो है, जितने भी शहर में स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कि इनके रहने का इंतज़ाम करेंगे करके, लेकिन सारे हो गए हैं फुल। और मंदिर और धर्मशाले भी फुल हो चुके हैं। तो देख सकते हैं, वेट कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पर बैठ के कि अंदर से कोई बुलाएगा और हम जाएंगे, रहने का आसरा मिलेगा। तो ऑल दिखाते हैं आप लोगों को। तो यार हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चटकेश्वर मंदिर में। और यहाँ मंदिर में भी काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी बड़ा धर्मशाला है, तो यहाँ भी भर चुका है अभी। और दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा स्पेस है, कुछ लड़कों को पता नहीं है यहाँ है करके, तो उन लोगों को बताते हैं, यहाँ भी रह रहे हैं और काफ़ी स्पेस है यहाँ भी। तो दिखाता हूँ आपको। जय भोलेनाथ। तो देख सकते हैं कुछ भाई लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ भाई लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। अलग जिले से आए हैं, तो दिखाता हूँ। तो ये हमारे एक भाई, भाई आपका नाम? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। और आपका? प्रदीप यादव। तो ये दोनों आए हैं बनारस से। बनारस से ना? यस। तो कैसे आप? बहुत अच्छे हैं। थोड़ा देर आके कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम हो रही थी रास्ते में, ठंडा लग रही है, नहीं लग रही है? ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी लग रही है। जो आने वाले बंदे हैं उनसे ये कहेंगे कि आएंगे तो व्यवस्था लेके आए अपना अच्छा खासा। तो दो भाई और है हमारे यहाँ पे। भाई आप कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से दोनों? अच्छा, भाई हो क्या? गाँव के हो क्या? अच्छा, क्या क्या नाम है आपके? धनंजय नाम है। और आपका? श्रवण। बहुत आराम से बोलते हो यार आप दोनों। और कोई दिक्कत परेशानी यहाँ? दिक्कत परेशानी उतनी तो है, बस थोड़ा ठंड, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ठंडी तो है, यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है तो ठंड तो लगेगी। ये तो भगवान का मंदिर, कुछ मिल गया हम लोगों को सहारा, नहीं तो इधर कुछ नहीं मिलता, इधर रूम वाले भी लूट रहे हैं। ऑल द बेस्ट। बाकी लोगों को तो मैं बताऊँ तो आप लोगों को ना रूम भी नहीं मिल रहे, ऐसे रह रहे हैं और रोडों में घूम रहे हैं अभी भी। आप लोगों को तो मतलब एक भगवान के मतलब शरणों में आ गए आप। आगे बच गए, इधर आके छांव मिल गया बस। तो उड़ने के लिए एसी मिला क्या? नहीं, उड़ने के लिए क्या है बस ये दर्री। अच्छा, दर्री यहाँ से मिली है? जो दर्री नीचे है वो दी है भाई, मतलब आए बाबा तो कहे लोग बाबा वो दर्री दिए। अच्छा,
तो कैसा लग रहा है? ठीक हो रहा है? ज्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा? ठंडी बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, मगर आप लोगों के पीछे ज्यादा ठंडी लग रही है। आप लोग इधर के हैं तो आप लोगों को उत्साह लेंगे, हम लोग दूर इधर के, अभी तो हम लोगों की बहुत गर्मी है, यहाँ तो 5:30-6 बजे ठंड स्टार्ट होने वाली है। लेकिन यार तुम लोग मेरे लिए पानी लेके आए यार बनारस से। तो यार देखो यार भाई लोग बनारस से आए, पानी लाए यार, जो अब आ रहा होगा वो लेके आना यार पानी। क्यों? ठीक है, आप कभी आएंगे तो ठीक है, बनारस आएंगे तो मिलेंगे जरूर। एकदम एकदम ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ब्रो। तो ये है भाई लोग, तो अब बाकी लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, वो कैसे हैं और उनको रहने की व्यवस्था हो रही नहीं हो रही, तो चलते हैं यार। अब हम दोनों भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे APS किराए के वहाँ पे, और यहाँ पे दिखाता हूँ भाई लोगों के लिए रूम नहीं मिल रहा तो किस चलो सोए हुए। तो यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और आप लोगों को अगेन फिर से बताना चाहता हूं, कोई यूपी की कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है और भर्ती अभी है यहां। तो जो लोग रास्ते में अटके हैं, जो लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि भैया यार भर्ती कैंसिल हुई हो गई करके, उन लोगों को बोलना चाहता हूं आप लोग आइए पिथौरागढ़ में, आपका वेलकम है और भर्ती है यहां। तो यार आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, जो यहाँ पिथौरागढ़ में छूट जाते हैं भर्ती देने से, जो नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों को बिहार में उनकी भर्ती वहाँ होगी, और 26 से लेके 1 तारीख तक पिथौरागढ़ नहीं आ पा रहे हैं भर्ती देने को, उन लोगों को एक मौका दे रहे हैं, उन लोगों को 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दानापुर बिहार में भर्ती है, तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ अटेंड कर सकते हैं, और पिथौरागढ़ में कैंसिल नहीं हुई है। तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं, और आप लोग बताएं कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।